हेलो, मैं हूँ मंजू त्यागी और ये मेरी तीसरी वीडियो है। आज है 28 अगस्त और फ्राइडे का दिन है। सुबह के 9 बज रहे हैं और बच्चे नहाने को तैयार बैठे हैं, इसलिए मैं अपने छोटे बच्चों को नहवाऊंगी। अब ये मेरा छोटा बेटा हर्षित है जिसे मैं नहला रही हूँ। बहुत शैतानी करता है, इसलिए आज मैं इसे खुद ही नहला रही हूँ। नहाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन मैं इसे बहुत मुश्किलों से नहला रही हूँ। बच्चे अपने मम्मियों से बिल्कुल भी नहाना पसंद करते ही नहीं है। और वो छोटा बेटा है मेरा कान्हा, वो मेरी बहन का बेटा है, हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा है ये, और बहुत ही शैतान है। नहाने के लिए किसी से भी कभी तैयार नहीं होता, कहता है मैं अपने आप ही नहाऊंगा, मैं तो बड़ा हूँ। हमेशा अपने आप नहाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा नहा ले। अब सांझ की 3 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। चाय का टाइम हो रहा है, सबका मन चाय पीने के लिए कर रहा था, इसलिए मैंने चाय बनाने रख दी है। और मैं चाय में चीनी पत्ती डाल रही हूँ। जब मेरी चाय बन जाएगी उसके बाद हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी करेंगे। पता नहीं आज सब्ज़ी में क्या बनेगा, मम्मी से पूछ के ही सब्ज़ी काटूँगी। दोपहर में हमारे घर पे चाय ज़रूर पी जाती है, 3 बजे के बाद 4 या 5 बजे तक हम लोग चाय पी लेते हैं। चाय तो सभी घरों में पी जाती है दोपहर की, लेकिन हमारे घर में भी चाय बहुत शौक से पीते हैं सब, 2 या 3 बार तो पी लेते हैं चाय। अब मेरी चाय बननी शुरू हो गई है, रज रहा है मेरी चाय। अब मेरी चाय उबल जाएगी, उसके बाद मैं उसमें दूध डालूँगी। मेरी बीच की वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई थी, इसलिए मैंने शाम की ही वीडियो रिकॉर्ड की है, उसे ही मैं अपने व्लॉग में डाल रही हूँ। ये मेरा तीसरा व्लॉग है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मुझे अभी वीडियो ज़्यादा बनानी अच्छी तरह से नहीं आती है, लेकिन मैं धीरे धीरे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब शाम का टाइम हो चुका है, मम्मी ने तोरी बनाने के लिए बोला है, इसलिए मैं तोरियों को छील रही हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं, अब हम शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जल्दी ही खाना बनने की शुरुआत हो जाती है। आज हम भरवा तोरी बनाएंगे। मैं तोरियों को छील लूँगी। तोरी मैं नहीं बनाऊँगी, तोरी मेरी भाभी या मेरी मम्मी बनाएंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ही शाम की तैयारी करती हैं खाने की और भाभी। तोरी हमारे घर पर ही उतर रही हैं, बेल है तोरी की, मम्मी ने तोरी बोई हुई हैं, ताज़ी तोरी उतर रही हैं, इसलिए तोरी बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। अब मेरी तोरी कट चुकी हैं और अब मैं उन्हें धोकर काट कर रख दूंगी और मम्मी तोरियों को बना लेंगी। उसके बाद